इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही मजेदार ऐप के बारे में। इस ऐप से आप केवल एक क्लिक में अपने फोटो का इमोजी स्टिकर कुछ इस तरह से बना सकते हैं और भी बहुत सारे कुछ हैं इस ऐप में, मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो शुरू करते हैं। अपने फोटो का स्टिकर बनाने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में BOBL इस ऐप का नाम है बबल कीबोर्ड, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं पहले इंस्टॉल कर लिया हूं, तो यहां से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आप सबसे पहले देख सकते हैं, यहां पर तीन ऑप्शन मिलेगा, हेड्स, उसके बाद में स्टिकर, उसके बाद में GIF। यहां पर तीन ऑप्शन मिलेगा आपको। सबसे पहले हेड में आपको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहला काम करना है, आपको यहाँ पर क्रिएट हेड पर क्लिक करना है। ऑलरेडी मैं पहले ट्राई किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, या तो आप सेल्फी भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको गैलरी से आपको फोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जिस फोटो का आप स्टिकर बनाना चाहते हैं, आप यहाँ से गैलरी ओपन करेंगे, गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ अभी। उसके बाद में आपको फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। आप दो उंगली से यहाँ पर जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद में इस एरो पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मेल फीमेल जो भी हैं जेंडर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर जिसका फोटो है उसका एज यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं, योर हेड इज रेडी। उसके बाद में यहाँ पर स्विच टू बबल कीबोर्ड, इसको आपको स्विच भी कर सकते हैं, लेटर भी कर सकते हैं, आपका मर्जी है। फिलहाल मैं यहाँ पर स्विच कर लेता हूँ। स्विच करने के लिए यहाँ पर बबल कीबोर्ड पर टिक कर देना है। उसके बाद में आपका जो कीबोर्ड है वो चेंज हो जाएगा, बबल कीबोर्ड में आ जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टोरी ऑफ द डे, इस पर व्यू नाउ पर क्लिक करना है। आज का जो स्टोरी है यहाँ पर देख सकते हैं, आपका स्टोरी यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। जो भी फोटो लगाएंगे उसको स्टिकर में बना देगा इस तरह से स्टोरी। इसको आप यहाँ से व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए इसको इसके बाद में बैक कर देते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाता है सेकेंड ऑप्शन, स्टिकर पर क्लिक करना है। स्टिकर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी आप स्टिकर बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा हिस्ट्री में रिसेंट जो भी स्टिकर बनाएंगे यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इसके बगल में क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने एक फ़ोटो यहाँ पर दिया है, एक फ़ोटो से आपको कितना सारे स्टिकर यहाँ पर बना के दे दिया। शुभ सरस्वती पूजा, जय माता दी, हैप्पी दुर्गा पूजा, इस तरह से आप देख सकते हैं। डांडिया का भी यहाँ पर बना दिया है। इसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए सिंपली आपको व्हाट्सअप या जहाँ भी आपको शेयर करना है इसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर करने के लिए आप जिसको सेलेक्ट करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेंड कर देना है, कुछ इस तरह से सेंड हो जाएगा। तो चलिए अब इसको बैक करते हैं और भी फीचर आपको बताते हैं। इस तरह से बहुत सारे आपको स्टिकर यहाँ पर बना के दे देगा। उसके बाद में स्टिकर में भी बहुत डिजाइन है यहाँ पर। उसके बाद में इस पर क्लिक करना है इसके बगल में, तो आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पर क्लिक करके कुछ इस तरह का स्टिकर बन गया है, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको भी आप चाहे तो किधर भी शेयर करना चाहते हैं तो आप यहां से शेयर भी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहां पर स्टिकर मिल जाएगा। उसके बाद में यहां पर उसके बगल में क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं जो भी एक्टर हैं, जो भी फेमस स्टिकर हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक्टर, लीडर सबका मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बगल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो फोटो अपलोड किया था उस फोटो के हिसाब से आपको कूल हैं, जस्ट फॉर यू, इस तरह से बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टिकर बना के दे देगा। और उसके बगल में फिर से क्लिक करेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं जस्ट फॉर यू। आप पूरा स्टिकर कहीं भी शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को परेशान कर सकते हैं इस तरह से स्टिकर बना करके, देख सकते हैं। सॉरी,
आप जिसको यहाँ से भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। उसके बगल में आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से टेम्पलेट्स बनाया हुआ है, कॉल मी बैक, एसवम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑलरेडी बना बनाया मिल जाएगा, आप इसका यूज कर सकते हैं। कहीं मस्त प्लान है, इस तरह से बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और भी आपको चाहिए एक्टर एक्ट्रेस का, यहाँ पर एक्टर एक्ट्रेस का भी बना हुआ मिल जाएगा। मैं हूँ डाउन, ये बहुत अच्छा बनाया, आप देख सकते हैं मैं हूँ डाउन इस तरह से बना दिया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको बना बनाया मिल जाएगा। मैं हूँ ना यहाँ पर बना दिया। आप सारे स्टिकर को यूज कर सकते हैं, जहाँ आपको जो भी स्टिकर आपको अच्छा लगता है आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। आ गले लग जा, इस तरह से बहुत सारे स्टिकर आपको, ये देखिए तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, सनी देओल का स्टिकर यहाँ पर हमको बना दिया है। उसके बगल में आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह का स्टिकर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर मोदी जी का मिल जाएगा, केजरीवाल जी का मिल जाएगा, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में आपको थर्ड ऑप्शन है GIF, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आगे बताने वाला हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद में आप देख सकते हैं इस तरह से हैप्पी हैप्पी दुर्गा अष्टमी, इस तरह से आपको फोटो को GIF में कन्वर्ट कर देगा। इस तरह से आपको ढोलक बजा सकते हैं, संधि पूजा, हैप्पी दुर्गा पूजा, इस तरह से जो भी फेस्टिवल आएगा ऑटोमेटिक आपको उस फेस्टिवल के टाइम में, गणेश पूजा के टाइम में गणेश पूजा का मिल जाएगा, दुर्गा पूजा के टाइम में दुर्गा पूजा का, दिवाली के टाइम में दिवाली का, आपको जो भी इसमें आपको ऑटोमेटिक या चेंज होते रहता है यहाँ पर फेस्टिवल के हिसाब से। ये देख सकते हैं डांडिया, डांडिया का यहाँ पर देख सकते हैं डांडिया, यहाँ पर नीचे जो भी हैं शेयर का ऑप्शन है, आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, सेव इन गैलरी, आपको गैलरी में भी आप चाहे तो सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर वाटरमार्क आ रहा है, उसको आप उसको भी इजीली हटा सकते हैं, अगर आप हटाना चाहते हैं तो, नहीं हटाना चाहते हैं तो ऐसे भी आप सेंड कर सकते हैं। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ, हैप्पी नवरात्रि, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा आपको, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर स्टोरीज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोरीज जो भी आज का स्टोरी है, जय माँ सिद्धि सिद्धिदात्री, तो इसको भी डाउनलोड, व्हाट्सअप, शेयर सब कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर, ये 2 अक्टूबर का स्टिकर है, राष्ट्र के 2 सपूत को सत सत नमन, इस तरह से आप ऑटोमेटिक, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको फोटो क्रिएट करना है। और भी अगर फोटो, उसके बाद में यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाता है माई स्टोरी, और उसके बगल में मिल जाता है न्यू एरेवल्स, जो भी नया नया आएगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चलिए अभी इसको हम हेड पर क्लिक करते हैं। अगर और भी आप हेड क्रिएट करना चाहते हैं, और भी अपने दोस्त का या किसी का फैमिली मेम्बर का बनाना चाहते हैं तो उसका भी बना सकते हैं, सेम प्रोसेस है। आपको यहाँ पर क्रिएट हेड पर क्लिक करना है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसेस है, क्रिएट हेड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको या तो सेल्फी ले सकते हैं, नहीं तो आप गैलरी से भी फ़ोटो उठा सकते हैं, जो भी फ़ोटो लेना है आप उसको ले लेंगे। और उसके बाद में यहाँ से सेम प्रोसेस है, उसका हेड यहाँ से सेलेक्ट करना है कुछ अच्छी तरह से, इस तरह से। उसके बाद में एरो पर क्लिक करेंगे, मेल फीमेल जो भी हैं सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इसमें से कोई भी ऑप्शन, इस तरह से आप कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, एज सेलेक्ट कर लेंगे, आपका हेड क्रिएट हो जाएगा। उससे मिलता जुलता सभी स्टिकर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए ये तो हो गया, अब उसके बाद में आप व्हाट्सअप अभी ओपन करते हैं, इसको बंद कर दिया, अभी व्हाट्सअप ओपन करते हैं। व्हाट्सअप ओपन करना है, और भी एक फीचर आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में है। व्हाट्सअप ओपन करने के बाद में आप जिसको मैसेज करना चाहते हैं, आप जिसको भी मैसेज करना चाहते हैं वो ओपन करेंगे, और यहाँ पर चैट बॉक्स ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आपको यहाँ पर बना बनाया मिल जाएगा स्टिकर, यहाँ पर स्टिकर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको बार बार आपको बबल ऐप ओपन नहीं करना है, आप यहीं से डायरेक्ट भेज सकते हैं। अगर आपको किसी को गुड मॉर्निंग भेजना है तो कुछ इस स्टाइल में आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आप यहाँ पर भेज सकते हैं, गुड मॉर्निंग यहाँ पर चला गया है। उसके बाद में और भी यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा, यहाँ पर आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कुछ आप मैसेज लिखना चाहते हैं, हाई मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, तो ऑटोमेटिक आपको नीचे देख सकते हैं यहाँ पर हाई इस तरह से लिख के आ गया, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएगा। उसके बाद में फिर से आप यहाँ पर अगर चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट को तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ से चेंज करेंगे तो इस तरह से
ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएगा, आप जो स्टाइल में यहाँ पर भेजना चाहते हैं उस स्टाइल में यहाँ पर फॉन्ट यहाँ पर मिल जाएगा। आप किस तरह से लिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हाई आ गया है। उसके बाद में और भी स्टिकर पर क्लिक करेंगे, स्टिकर पर आप देख सकते हैं आपको बार बार बबल ऐप में नहीं जाना पड़ेगा, आप व्हाट्सएप में डायरेक्ट ओपन करेंगे इस तरह से देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पर स्टिकर आ जाएगा, आपको बस यहाँ पर एक क्लिक करना है और सेंड कर देना है। तो इस तरह से आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग, उसके बाद में हाई, उसके बाद में फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसके बाद में और क्या क्या फीचर मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जोक शायरी जो भी चाहिए यहाँ पर बना बनाया मिलेगा, आपको किसी को जोक भेजना है शायरी भेजना है तो आप यहीं से भेज सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं तूने ही लगा दिया इल्ज़ाम ए बेवफा, अदालत भरी तेरी गवाह, कुछ इस तरह का शायरी है यहाँ पर। तो आप शायरी भेजना चाहते हैं या जोक भेजना चाहते हैं, जोक भेजने के लिए आपको यहाँ पर जोक पर क्लिक करना है और यहाँ पर बना बनाया जोक रहेगा, आपको बस एक क्लिक करेंगे वहाँ पर जोक ऑटोमेटिक यहाँ पर सेंड हो जाएगा। उसके बाद में क्विट्स भी है यहाँ पर मिल जाएगा, उसके बाद में शायरी जोक्स और आपको यहाँ पर कीवर्ड मिल जाएगा। आपको यहाँ पर स्टिकर पर क्लिक करना है, स्टिकर पर क्लिक करने के बाद में नीचे यहाँ पर स्टिकर है कीबोर्ड के बगल में, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लाइव स्टिकर आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए मैं ये स्टिकर अभी भेजता हूँ, ये नॉर्मल स्टिकर है और इसमें से स्टिकर आपको भेजता हूँ, जैसे ये स्टिकर देखिए ऊपर चलता फिरता, इस तरह से यहाँ से स्टिकर भेजेंगे तो कुछ इस तरह से साउंड क्रिएट होगा। देखिए अभी हम नॉर्मल स्टिकर भेजते हैं तो नॉर्मल स्टिकर ऐसा जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा, लेकिन इसमें से अगर इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप स्टिकर भेजते हैं तो कुछ इस तरह से जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार ऐप है। तो आप इस कीबोर्ड का यूज करके बहुत सारे आप यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का स्टिकर भेज सकते हैं, उसके बाद में आप अपना यहाँ पर शायरी जोक्स कुछ भी भेजना है तो भेज सकते हैं, यहाँ पर बना बनाया मिल जाएगा, अपने फ़ोटो का स्टिकर बना सकते हैं, बहुत सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं आसानी से इस कीबोर्ड के मदद से। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।